आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपका वीडियो करप्ट हो चुका है, ख़राब हो चुका है और आप बहुत ही मेहनत से उसको शूट किए हुए हैं तो आप जो है बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं। और वो जो है स्वाभाविक बात भी है, अगर आप कहीं फंक्शन में जाते हैं या कहीं शादी में जाते हैं और वहाँ का जो वीडियो आप शूट किए रहते हैं तो वो वीडियो जो ख़राब हो जाता है तो आप बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं। और वो आपको आना भी चाहिए, क्योंकि भैया फंक्शन और शादी बार बार नहीं होता है, वो एक ही बार होता है। और उसमें जो वीडियो शूट हुआ रहता है, अगर वो ख़राब हो जाएगा तो किसी को भी टेंशन आ जाएगा। तो मैं आपको इस वीडियो में इसका ही सलूशन बताऊंगा कि अगर आपके पास ऐसा कोई वीडियो है जो करप्ट हो चुका है, खराब हो चुका है, तो उस वीडियो को आप कैसे रिपेयर करेंगे, कैसे ठीक करेंगे। सुबह मैं हूं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियो पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका कोई भी वीडियो है जो आप शूट किए हुए हैं या आपको कोई पुराना वीडियो है जो करप्ट हो चुका है, खराब हो चुका है, तो उसको आप कैसे रिपेयर करेंगे, कैसे ठीक करेंगे। ये सब कराने के लिए अगर आप दुकान में जाते हैं या साइबर कैफे में जाते हैं तो वहाँ पर आपको 300 रुपीज़ से लेके 500 रुपीज़ के बीच में चार्ज कर देता है और वो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि भैया आप जो शादी का फोटो है या कोई फंक्शन का फोटो है वो आपका जो है ख़राब हो चुका है, करप्ट हो चुका है और आप चाहते हैं कि उसको जो हम ठीक करवाएं तो आपको भैया इतना पैसा आपको लग जाएगा। तो मैं आपको इस वीडियो में इसी का सोल्यूशन बताऊँगा किस तरीके से आप घर बैठे आप मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं और लैपटॉप से भी कर सकते हैं। मैं आपको एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊँगा जिस सॉफ्टवेयर का डाउनलोड करेंगे और उसको जो है अपने वीडियो को बहुत ही आसानी से, जो आप वीडियो शूट किए हुए हैं और वो करप्ट हो चुका है, ख़राब हो चुका है, तो उसको आप बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो उस वीडियो को कैसे ठीक करना है, कैसे क्या करना है भैया, ये सब देखने के लिए तो ये वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा कि किस तरीके से आप अपने करप्ट वीडियो को, ख़राब वीडियो को कैसे रिपेयर करके ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दिया हूँ, जिस लिंक पर जाने के बाद आप डायरेक्ट इस साइट पर पहुँच जाइएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ विंडो का ऑप्शन है और मैक का ऑप्शन है, तो विंडो और मैक में दोनों में ये एप्लीकेशन यूज होता है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आने के बाद यहाँ पर कुछ हाईलाइट दिए हुआ है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एमओवी फाइल है, एमकेवी फाइल है, MP4 फाइल है, M2TS फाइल है और AVI फाइल है। तो इतने फाइल को आप बहुत ही आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। और नीचे ऊपर भी कुछ हाईलाइट दिए हुआ है, यहाँ आप देख रहे हैं, तो ये अब इतने भी फॉर्मेट को आप बहुत ही आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि करप्टेड सेंसरियस फाइल को भी आप बहुत ही आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आइएगा स्क्रॉल डाउन करके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर आप कैमरा से जो आप वीडियो बनाए हुए हैं, जैसे कैनन कैमरा हो गया, निकॉन, सोनी एक्स्ट्रा, तो आप या मोबाइल से अगर आप वीडियो बनाए हुए हैं तो उस वीडियो का भी आप बहुत ही आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली अगर इसको अगर डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करने के लिए सिंपली आप इस पर एक क्लिक कीजिए तो यह आपका डाउनलोड हो जाएगा। चलिए मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड होने के बाद आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा, यहाँ देख रहे हैं कि एड वीडियो स्टार्ट रिपेयरिंग, तो यहाँ पे आपका जो भी वीडियो है जिस वीडियो को आपको रिपेयर करना है तो वो वीडियो यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा। चलिए मैं सिंपली जो हमें वीडियो को रिपेयरिंग करना है वो वीडियो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो सिंपली आपको इसको ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद जहाँ भी फाइल में आपका वीडियो है वहाँ से ये आप वीडियो को चूज कर सकते हैं। चलिए मेरा डेस्कटॉप है तो मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ, और मेरा न्यू फोल्डर में, तो चलिए मैं हमें ये वीडियो को रिपेयरिंग करना है तो मैं सिंपली इसको चूज करके यहाँ से सिंपली ओके कर ओपन कर देता हूँ। तो देखिए मेरा यहाँ पे एक टाइमलाइन में आके ये ऐड हो चुका है। अगर आपको एक से ज़्यादा वीडियो के एक साथ रिपेयरिंग करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको यहाँ देख रहे हैं कि नीचे ऐड वाले ऑप्शन है, तो यहाँ पर जाके आपको ऐड वाले को ओके कर देना है। आपको जो भी वीडियो को जहाँ भी फाइल में है वहाँ से सेलेक्ट करके अब इसको ओपन कर लीजिए। चलिए हम इस बार इस वीडियो को ओपन कर लेते हैं यहाँ पे सेलेक्ट करके। यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा ये वीडियो दोनों यहाँ पे आ चुका है। अब दोनों वीडियो को हमको रिपेयर करना है, दोनों वीडियो मेरा ख़राब है, तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ रिपेयर वाले ऑप्शन जो दे रखा है यहाँ पर आपको सिंपली इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखिएगा यहाँ पर मेरा ये रिपेयर हो भी चुका है। कितना फास्ट हुआ है, बहुत फास्ट ये एप्लीकेशन है। अगर आपको प्रीव्यू देखना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, अगर सेव करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। चलिए सिंपली मैं पहले प्रीव्यू देख लेता हूँ ये कैसा लगता है। आप देख रहे हैं कि मेरा यहाँ पे प्रीव्यू ओपन होकर आ रहा है जो सर्चिंग में है, और नीचे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एडवांस रिपेयरिंग का ऑप्शन है।
तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा ये वीडियो उतना सही से रिपेयरिंग नहीं हुआ है और मैं चाहता हूं कि इसका और क्लियरिटी हो रिपेयरिंग का, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यहां पे एडवांस रिपेयरिंग वाले ऑप्शन में जाके आप उसको ओके कीजिए। ओके करने के बाद अगर आपका कोई अच्छा वीडियो है, सिंपल के तौर पर यहाँ देख रहे हैं कि एट सिंपल वीडियो टू रिपेयर, अगर आपका कोई अच्छा वीडियो है उस हिसाब से इस वीडियो का अगर आप रिपेयर करना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा। चलिए मैं जो मेरा अच्छा वीडियो है वो वीडियो को मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा ये अच्छा वीडियो है तो मैं यहाँ पे इसको ऐड कर लेता हूँ, और ये करने के बाद देखिए मेरा यहाँ पे आ गया है। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो के हिसाब से मेरा ये वीडियो, सिर्फ ये वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, ना कि ये वीडियो। इस वीडियो के लिए सेम यही प्रोसेस जो हम कर रहा हूँ, सेम प्रोसेस यही आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो ये भी वीडियो आपका रिपेयर हो जाएगा। तो सिंपली मैं सिर्फ इस वीडियो को रिपेयर कर रहा हूँ, इस वीडियो को रिपेयर कर रहा हूँ। तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ऐड करने के बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ कॉर्पोरेट वीडियो का ऑप्शन आ चुका है और सिंपल वीडियो का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ से आप इसका फॉर्मेट भी चूज कर सकते हैं, जो भी फॉर्मेट आप करना चाहते हैं। तो सिंपली हमको क्या करना है, सिंपल वीडियो ऐड करने के बाद यहाँ पर हमको रिपेयर वाले ऑप्शन जाकर ओके कर देना है। तो ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर मेरा ये रिपेयरिंग हो गया ये वीडियो। तो अगर आपको इसी तरह जो आपको इस वीडियो को भी ऐसे ही आपको करना है रिपेयर करना, अगर इसको लेकर रिव्यू करके देख लेते हैं कि नहीं उतना अच्छा नहीं है वीडियो, अगर चाहते हैं कि नहीं और अच्छा वीडियो हमको ये रिपेयरिंग हो, तो आपको सिंपल तरीका से जो फॉलो ये प्रोसेस मैं बताया हूँ ये प्रोसेस कीजिएगा, तो ये भी वीडियो आपको उसी तरह से आपका रिपेयरिंग हो जाएगा। तो सिंपली आपको इसको रिव्यू देखने के लिए आप इसको रिव्यू देख सकते हैं। चलिए मैं आपको ये वाले पर भी दिखाता हूँ जो मैं बहुत अच्छा से रिपेयरिंग किया हूँ दोबारा से। तो आप सिंपल यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर सर्चिंग का ऑप्शन आ चुका है और यहाँ पर प्ले होगा, मैं आपको प्ले होकर दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं कि ये प्ले हो गया और इसकी क्लियरिटी आप देख रहे हैं कितनी शानदार इसकी क्लियरिटी है। इसी हिसाब से आपका ये वीडियो बहुत ही आसानी से आपका रिपेयर हो जाएगा। और ये नीचे यहाँ देख रहे हैं कि चेंज द सिंपल वीडियो में, तो इस वीडियो के सिंपल वीडियो के हिसाब से मैं इसको चेंज किया हूँ और क्लियरिटी बढ़ाया हूँ, तो उस हिसाब से वीडियो ओपन होकर आ चुका था। और यहाँ से अगर आप सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से आगे सेव कर सकते हैं, या यहाँ भी ऑप्शन दे रखा है तो यहाँ से भी आप वीडियो को सेव कर सकते हैं, या इस वीडियो को भी यहाँ से रिव्यू करके देख सकते हैं, यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। सो गाइस, अब तो आप समझ ही गए होंगे किस तरीके से अगर आपका कोई भी वीडियो है जो आप बहुत ही मेहनत से शूट किए हुए हैं वो करप्ट हो चुका है, ख़राब हो चुका है, तो उसको आप कैसे ठीक करेंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।